हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेशर हट। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं जिमीकंद तवा फ्राई। इसको हम जिमीकंद कतरी भी बोलते हैं और कुछ लोग जिमीकंद को सुरन भी बोलते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, तो चलिए जिमीकंद तवा फ्राई बनाना शुरू करते हैं। जिमीकंद तवा फ्राई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जिमीकंद लिया है। हम इसमें से आधा ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसको अच्छे से छील लेंगे और इसके पीसेस कर लेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से हमने पीसेस कट कर लिए हैं। अब हम इसको उबाल लेंगे। जिमीकंद के पीसेस को हमने उबाल लिया है, अब बाकी की प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हम इसमें करीबन एक चम्मच हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च करीबन दो चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच और गरम मसाला वो भी एक चम्मच, स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें इमली का पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहो तो आधे नींबू का रस भी डाल सकते हो, इसके वजह से जो जिमीकंद में खुजली होती है वो कम हो जाती है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला हर पीस को अच्छे से लग जाए। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई करने के लिए हमने पैन गरम करने के लिए रखा था, अब हम इसमें तेल डाल लेंगे। अब हम जिमीकंद के एक एक पीस को सूजी में घोल के शैलो फ्राई करने के लिए पैन में डालेंगे। इस तरह से हमने सारे पीस रख दिए। अब हम इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। हमने इसको एक साइड से अच्छे से पका लिया है, अब हम दूसरी साइड से भी इसको ऐसे अच्छे से पका लेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। हमने इसको दोनों साइड से अच्छे से पका लिया है, अब हम इसको निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। हमारा जिमीकंद तवा फ्राई बनके तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। यहाँ पे तवा फ्राई बनाने का था इसलिए मैंने शैलो फ्राई किया था। अगर आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक आपको तोड़ के बताती हूँ। ये बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बना है। आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसे बनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।